गाइस एक एस नाइन एनएस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस नए वीडियो में आपको बताऊंगा ओप्पो की तरफ से एक स्मार्टफोन है जिसका नाम है ओप्पो A57 स्मार्टफोन के बारे में। जैसे कि ये स्मार्टफोन है, इसी स्मार्टफोन के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा यह स्मार्टफोन कैसा है कैसा नहीं, इसके सारे स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और स्मार्टफोन आपके लिए सही है या नहीं सही ये भी बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ओप्पो ए का जो 57 स्मार्टफोन है। तो सबसे पहले मैं जैसे कि यह स्मार्टफोन कितने कलर में अवेलेबल है वो दिखाऊंगा और जैसे कि जो स्मार्टफोन है काफी फास्ट दिखाऊंगा और उसके सारे स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। तो जैसे गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ओप्पो ए 57 या कहे कि 57 का जो स्मार्टफोन है जिसका कलर है ग्लोइंग ग्रीन कलर, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि कुछ आपको ऐसा दिखेगा जो कि मेरा फेवरेट कलर है और मुझे काफी बढ़िया भी लग रहा है। और इसका दूसरा कलर है जो कि ग्लोइंग ब्लैक कलर का है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये उतना मुझे कुछ खास नहीं लगा लेकिन ठीक ठाक ये भी कलर है, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं है, लेकिन जो मेरा मन पसंदीदा कलर था ग्लोइंग ग्रीन वाला कलर था जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी बढ़िया है। तो जैसे कि आते हैं इसके मोबाइल फोन के डिस्प्ले पर, तो इसमें ना आपको जो डिस्प्ले मिलता है फ्रंट में इसका साइज 6.56 इंच डिस्प्ले साइज है। इस मोबाइल फोन में जो कैमरा मिलता है फ्रंट वाला 8 मेगापिक्सल का है और ठीक ठाक मोबाइल फोन है। फ्रंट और बैक से या कहें फ्रंट से ही बस थोड़ा सा कर्व है, बैक साइड से मोबाइल फोन कर्व नहीं है लेकिन मुड़ा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं कर्व नहीं है बैक साइड से। और बैक साइड का जो कैमरा है 13 मेगापिक्सल का है जो कि आप देख सकते हैं। मोबाइल फोन ठीक ठाक है, मुझे लगता है थोड़ा सा इसका जो प्राइस है थोड़ा सा महंगा है। और इस मोबाइल फोन में जो प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक हेलियो G35 पर बेस्ड है इसका प्रोसेसर। तो और ना इसमें सी टाइप का केबल मिलेगा, इसमें जो एडाप्टर लगेगा 33 वाट का लगेगा और इस मोबाइल फोन में 5000 mAh की बैटरी लगेगा। और इसमें ना साइड बार में फिंगरप्रिंट टच सेंसर है, तो इसे मोबाइल ठीक ठाक है। और जाते हैं जैसे कि इसका जो प्राइस है ना, जैसे अगर आप 4/64 स्पेसिफिकेशन के साथ परचेस करेंगे तो इसका जो प्राइस होगा लगभग 14,000 होगा। तो मेरे ख्याल से जैसे कि प्राइस के हिसाब से तो मोबाइल फोन मुझे जहाँ तक लग रहा है महंगा है। ऐसे आपको जैसे बहुत मोबाइल फोन मिल जाएंगे जो कि ठीक ठाक मिलेगा लेकिन इस डिजाइन का नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें बैक साइड का जो डिजाइन है प्लास्टिक नहीं ग्लास का, तो शायद इसीलिए इसका जो प्राइस है 14,000 है। वैसे सारी चीजें तो मैंने देखा था मोटरोला के मोबाइल फोन से लगभग मैच कर रहा है, तो थोड़ा सा बेहतर है इस ओप्पो के मोबाइल फोन से। तो जैसे कि ना अगर आप ये मोबाइल फोन 14,000 प्राइस में परचेस करेंगे तो आपको लगभग 1,250 रुपए का वो डिस्काउंट मिल जाएगा, तो लगभग आपको ये मोबाइल फोन 13,000 तक पड़ जाएगा या कह कि 12,950 रुपए तक लगभग पड़ जाएगा। तो ठीक ठाक मोबाइल फोन है, अच्छा खासा है। और जैसे कि ना मैं आपको नीचे दिखा दे रहा हूँ कई सारी चीजें, अगर जैसे कि मैं आपको नहीं बताया हूंगा तो जैसे कि ठीक मोबाइल है और मैं यहाँ पर पीछे दिखा दे रहा हूँ इस मोबाइल फोन में। और जैसे कि यहाँ पर बताया गया है इस मोबाइल फोन में ना 1 TB तक का अलग से मेमोरी कार्ड इस मोबाइल फोन में लगा सकते हैं और 4 GB इसमें रैम बढ़ा सकते हैं, जो आपका इंटरनल स्पेस होगा उससे आप मतलब बढ़ा सकते हैं। तो मोबाइल फोन ठीक ठाक है, अच्छा खासा है और अच्छा खासा भी है, ठीक ठाक है, उसे डिजाइन भी काफी बढ़िया है इस मोबाइल फोन का। और ये जो फोटो आपको दिख रहा है पंप अप द वॉल्यूम एट वर्लिंग स्टीरियो स्पीकर, तो जैसे कि जो फोटो दिख रहा है आपको काफी बढ़िया लगेगा इसका। साथ 13 मेगापिक्सल कम है शायद, तो मतलब बस नाम का कैमरा है, मतलब कि काम काफी बढ़िया करेगा शायद मुझे लगता है क्योंकि फोटो जो मैं देख रहा हूँ काफी बढ़िया लग रहा है। और मैं आता हूँ नीचे ना, मैं आपको नीचे दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर जो जैसे कि जो बैक साइड फिंगरप्रिंट टच सेंसर है 7.99 का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं नीचे आपको दिखा दे रहा हूँ इसका जैसे कि दोनों मैंने कलर दिखाया था। उस मोबाइल फोन का जैसे कि जो मैन्युफैक्चरर है खुद ओप्पो है, ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है। और जो मोबाइल का वेट है 187 ग्राम है। और जैसे गाइस मैं आपको बता दूं अगर ये मोबाइल फोन आप परचेस करेंगे आपको क्या क्या मिलेगा, तो मोबाइल फोन मिलेगा, एडाप्टर मिलेगा 33 वाट का और सिम इजेक्टर पिन मिलेगा और पढ़ने के लिए वो सारी चीजें मिलती हैं। और जैसे कि मैं आपको ये बता दूं इस मोबाइल फोन के साथ जैसे कि ये नहीं बताया गया कि जो बॉक्स में होगा क्या क्या होगा, तो जैसे कि इसमें ये नहीं बताया गया कि आपको इसमें जो सी टाइप का केबल होगा ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, लिखा तो वैसे नहीं है मैंने देखा था, तो शायद मुझे लगता है जहां तक ये अभी नहीं मिलेगा इस मोबाइल फोन के साथ ओप्पो A57 के साथ, तो मुझे लगता है नहीं मिलेगा। तो जैसे कि मुझे लगता है ना इसका प्राइस भी थोड़ा सा ज्यादा है, मोबाइल बस डिजाइन में ठीक है बाकी सब कुछ आप समझ रहे हैं ना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को और चैनल पे नया तो रेड कलर का बटन प्लीज क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना और वीडियो से रिलेटेड कुछ कमेंट कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज।